बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रूफ टॉक्स। भाई आज का टॉपिक जो है ना बड़ा हॉट टॉपिक है कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो बिज़नेस तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन पार्ट टाइम बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, रिसोर्स मौजूद हैं, वो बेस्ट रिसोर्स हैं इसका जवाब देने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं उमैर भाई। उमैर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उमैर भाई का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से। मैं चाहूँगा कि उमैर भाई अपना तारुफ खुद करवाएं। यार तारुफ तो बस मुख्तसर सा ये, 2010 से 20 साल की उम्र में बस ट्रेनिंग का शौक था तो काम शुरू कर दिया था। और मुझे याद है कि एक प्रिंट आउट निकाला था 4-5 पेजेस का और वो लेके हम स्कूल्स में चले गए थे कि भाई हम आपके बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे, पैसे भी नहीं लेंगे। और वहाँ से बस काम शुरू हुआ और चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के टॉप कंसल्टेंट्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ काम करने का भी मौका दिया। ये बड़ी बात है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, मतलब यूडेमी पे हमारे कोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा मुल्कों से लोग एनरोल्ड हैं। अच्छा। और पाकिस्तान के काफ़ी सीनियर ट्रेनर्स के साथ हमने काम किया, कुछ लोग ओवरसीज़ हैं आजकल तो उनके लिए भी हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा उमैर भाई, कि लोग बिज़नेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो स्टक हैं 9 to 5 के ड्यूरेशन में। और वो 9 to 5 नहीं होता है बेसिकली। आजकल जो ऑफिस का ट्रेंड है ना वो है 9 to 5 तो होता है लेकिन लेट सिटिंग का बड़ा ट्रेंड है। तो इससे भी लोग जो है बिज़नेस से बहुत पीछे चले जाते हैं कि किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करना है। और जो 9 to 5 कर रहा होता है उसको बिज़नेस करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तो आप क्या इसको एडवाइस देंगे, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट कैसे ले, मेन होता है स्टार्ट करना। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे आपने 9 to 5 की बात की, यानी इसमें दो किस्म के लोग हैं ना, कुछ लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, लेबर तबका है। अगर आप दोनों की हैबिट्स देखें ना तो दोनों के पास ना अच्छा खासा टाइम होता है। घर आके लोग मोबाइल फ़ोन भी चला रहे होते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे होते हैं, वीकेंड पे पार्टियां भी कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर आप हफ्ते में मिसाल के तौर पे 10 घंटे इन कामों के लिए निकाल रहे हैं, मे बी इससे ज़्यादा ही निकालते हैं लोग, तो यार आप उन्हीं 10 घंटों को अपने काम के लिए भी तो कर सकते हैं ना, अगर आप वाकई में करना चाहते हैं। अगर हम पूरे वीक का ड्यूरेशन निकालें 10 घंटे, आराम से निकाल दो घंटे करके, दो दो घंटे करके। और चूंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अगर आप कंसिस्टेंट 10-10 घंटे भी काम कर रहे हैं एक हफ्ते में तो एट द एंड ऑफ द मंथ 40 घंटे आपने काम किया और आप उसको खुद पार्ट टाइम कह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उससे ये एक्सपेक्टेशन तो कर ही नहीं रहे कि जो है ना उससे आपकी पूरी जॉब जितनी इनकम आएगी, लेकिन आपकी ग्रेजुअली कुछ इनकम आना भी स्टार्ट हो जाएगी। और शुरू में प्रोसेस लगता है, प्रोसेस टाइम लेता है किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले तो आपको डेलिब्रेटली डिसीजन लेना होता है कि यार मैंने ये काम करना है। जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मैं पढ़ाता था तो मैं सुबह से निकला हुआ शाम तक पढ़ा रहा होता था। और जब मैंने पहला कोर्स लॉन्च किया ऑनलाइन तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मेरे पास रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, टाइम भी बहुत कम था, तो मैं पढ़ा कर आखिरी क्लास जब आता था 10 बजे, फिर मैं अपने दोस्त के घर जाकर एक जो उनका कोचिंग सेंटर था वहाँ एक कमरे में बैठ के मैंने कोर्स की रिकॉर्डिंग जो है ना वो की है। अच्छा। क्योंकि मुझे करनी थी, मतलब एक वो होता है ना शौक, उस जज्बे की बात भी होती, जज्बे की बात थी तो मुझे करनी थी और वहाँ से फिर वो सिलसिला बनता गया और चीज़ आगे जाती थी। मतलब पहला स्टेप होता है कि स्टार्ट करना है और उसको मैनेज करना है, उसको मैनेज किस तरीके से लेकर चलना है, आपने उसको कंटिन्यू रखना है, बंद नहीं करना है और स्टार्ट करना है। भले आप कम टाइम दे दें लेकिन आपने उसको सीरियस लेकर उसको जो है ना वो चलना है। और आपने एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन से चीज़ उठानी है अपनी मौजूदा जॉब में, चूंकि आप सैलरी ले रहे हैं बिल्कुल, तो आप वहाँ तो ये नहीं है कि वहाँ बैठ के अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या वहाँ खयानत कर रहे हैं, वो नहीं करें। सही ना, वो टाइम बिल्कुल बेस्ट दें अपना फारिग वक्त, ये जो एंटरटेनमेंट का वक्त है ना, इसको ज़रा कुछ अर्से अपने, अगर अगर वाकई में आप करना चाहते हैं अपना काम तो आप उसमें लगाएं। अच्छा, लेट सपोज सोच लिया ये काम करना है, स्टार्ट भी करना है, ठीक है ना। दूसरा बड़ा मसला ये आता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको अपनी स्टोरी में बताया कि जो पहली कहानी स्टार्ट हुई थी वो 30 रुपये के प्रिंट आउट से हुई थी, ठीक है ना। तो 30 रुपीज़ का प्रिंट आउट था और हम पहुँच गए। और जो मैंने अभी आपको ऑनलाइन कोर्स का बताया तो लिटरली कोई इक्विपमेंट नहीं था, ठीक है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोर्स था, यानी स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड की हुई थी उसमें, और मैं अपने मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा था, अपना नॉर्मल यूज़ का लैपटॉप यूज़ कर रहा था और उसके ज़रिए जो है ना मैंने वो पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया। और मैंने बताया आपको कि मैंने दोस्त के घर जा कर रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब वो मैंने पूरा रिकॉर्ड करके उस, यानी अगर आप मुझसे उसकी कॉस्टिंग पूछेंगे तो वो 0 कॉस्टिंग थी, देयर वॉज जस्ट टाइम,
ठीक है ना, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि आपका आइडिया अच्छा होता क्या, गलती ये होती है कि हम बाजू का आइडिया बहुत बड़ा सोचते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि जो चीज़ आपको रेंट पे मिल सकती है आप उसे ख़रीदे नहीं, जो चीज़ आप किसी से उधार ले सकते हैं आप उसे रेंट पे भी ना लें, और जो चीज़ है ना आप बार्टर कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, तो आप वो उधार में भी ना लें, आप अदला बदली करें, कॉस्ट कटिंग करके, कॉस्ट कटिंग करके कोई चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी। इस वक्त इतनी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फ्री में मिल जाए, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, आपको वीडियो बनानी हो, वो आपको फ्री में वीडियो बना के दे दें, ठीक है ना, सही ना, हो सकता है कि जो ना बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप पूल कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत सारी रिसोर्सेज को तलाश करने होते हैं आपको, ठीक है ना। और बहुत दफ़ा जो लोग पैसे की बुनियाद पे बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, सिर्फ पैसे की बुनियाद पे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टू नहीं होते अपने आइडियाज से, तो वो पैसे ज़ाया भी करते हैं। अच्छा, चीज़ें लेके एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अल्टीमेट गोल ही यही होता है लोगों का कि जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास पैसे कब और कितने आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक तो ये जहन में होता है, तो क्या यही गोल होना चाहिए कि पैसे आने चाहिए, या फिर हमारा गोल क्या होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करते? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आपको ये देखें डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी को फ्री टाइम चाहिए हो, फ्री टाइम सही ना, हो सकता है किसी को पैसे चाहिए हो, सिर्फ पैसे चाहिए हो, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। अल्टीमेट तो ये होना चाहिए कि भाई हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दुनिया में आए, तो हम उस बिज़नेस में उस फील्ड में जाकर अल्लाह के दीन को ज़िंदा करें, ये अल्टीमेट हमारा पर्पज़ होना चाहिए, ठीक है ना। और जो उसके सब पर्पज़ हैं उसमें ऑब्वियसली हमारा टाइम फ्री हो रहा है, हम एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो चीज़ें सब ज़रूरियात की हद तक हैं, वो उस बिज़नेस का मकसद हमें नहीं बनाना चाहिए। हमें मकसद ये सोचना चाहिए कि हम किसी इंडस्ट्री में कोई भी काम कर रहे हैं, हम उस काम में कोई ज़बरदस्त काम करके दिखाएं, करके दिखाएं, ठीक है ना, ये हमारा मेन वो होना चाहिए कि ये काम हम करना चाहते हैं। और इसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ रघु भाई इसलिए कि खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो अपना बिज़नेस करते हैं, जो अपना बिज़नेस करते हैं या उनको एक ऐसा प्रोफेशन या जॉब मिल जाती है जो उनके 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 इनर कॉलिंग से कनेक्ट होती है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती, और अगर ये नहीं है तो आपकी ज़िंदगी के 8-10 घंटे एक ऐसी जगह गुजर रहे हैं जो आप दिल से नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप पार्ट टाइम में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे बिल्कुल ही जिसमें आपको खुशी मिल रही है, तो आपकी तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 10 घंटे आप लेट से एक काम कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे आप ऐसा काम भी कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाता है और आपको आपकी ज़िंदगी में उतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती। और अल्लाह ताला कब हाथ पकड़ ले, ये तो जैसे कराची हलीम वालों की हमने केस स्टडी देखी थी कि वो एक गवर्नमेंट जॉब करते थे बहुत सख्त, और वो वहाँ से आते थे और नॉर्थ कराची में रहते थे, वहाँ से आते थे यहाँ घर पे, घर वालों ने हलीम बनाई होती थी और वो सेल करते थे, वो एक ठेले से दुकान हुई और आज माशाल्लाह कराची भर में उनके ब्रांचेस हैं। कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, ये नहीं कि आज एक बिजनेस स्टार्ट किया कल दूसरा आइडिया आया फिर दूसरा तीसरा आइडिया आया, तो अब और होता क्या है कि जब आप उसको कर रहे होते हैं तो यानी आपकी इन्वॉल्वमेंट और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर तो आप मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी। इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम ये वाला बिज़नेस भी कर सकते हैं, मतलब बिज़नेस तो बहुत सारे होते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में ये भी आता है कि आपको स्किल सीख लो और फिर उसकी सर्विसेज दो, फ्रीलांसिंग, डॉलर कमाओ। और पाकिस्तान में तो बहुत ही सुनने में आ रहा होता है ना कि भाई स्किल सीखें और ये सीखें और बेचें। मैं ये समझता हूँ स्किल सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना मार्केटिंग है, मार्केटिंग। और हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनके पास बहुत बेसिक लेवल स्किल है लेकिन उनको मार्केटिंग आती है, उन्होंने उससे बड़े ज़बरदस्त पैसे बनाए। जैसे canva.com बहुत आसान सी एक ग्राफिक्स की वेबसाइट है, लोग ये सीख कर भी अच्छे पैसे उन्होंने बनाए। इसमें शुमार होता है ना, कैनवा आ गया चलाना, सही। और कुछ लोगों के पास बड़ी कॉम्प्लेक्स स्किल्स होती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर पे वो लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको बेचना नहीं आता, वो नहीं बेच पा रहे। मार्केटिंग मैटर्स। और मैं समझता हूँ मार्केटिंग अपने इर्द गिर्द के लोगों से शुरू होती है। आप ये देखें आपके मोबाइल फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं और उनमें से देखें कि किन कॉन्टैक्ट्स को आप क्या सर्विसेज दे सकते हैं, सही ना। मिसाल के तौर पे आप पॉडकास्ट करते हैं, आप आज अपना फ़ोन खोल के देखें तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो या तो आपके पॉडकास्ट पे आ सकेंगे खुद, या उनके लिंक में ऐसे लोग होंगे कि वो आपको
जो है ना आपके आपको रिकमेंड करें कि यार इनको आप बुलाएं। तो ये मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि जिनको आप जानते हैं वो कितने लोगों को जानते हैं और वो आपको कितना जानते हैं, वो आपको कितना जानते हैं आप, और आप उनको कैसे अपने अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं, आप उनको किसी विजन पे किसी कॉज पे जोड़ सकते हैं और यूँ फिर आपका काम चलता है। और आजकल तो बहुत ही आसान है ना, हर कुछ मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप कुछ भी फेसबुक पोस्ट करो, वो सब सेट है। मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि एक अननोन बंदा आपको इतना वैल्यू नहीं करेगा जितना आपका इनर सर्कल। तो जो मोबाइल फ़ोन वाली मैंने आपको टेक्निक बताई ना, ये जो आपका सोशल सर्कल है, स्टार्ट फ्रॉम देयर, और उससे हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, लोगों के यूं काम जो है ना वो स्टार्ट हुए हैं। किसी के भाई एक साहब थे, वो अपने घर वालों को, वो अपने ख़ानदान में 10 साल से खाने बनवाते थे, उसमें तो वो पैसे लेते नहीं थे शादियों की कैटरिंग वगैरह। हमने उनके साथ बैठ, हमने कहा व्हाई डोंट यू डू इट इन कमर्शियली, है ना। एक साहब थे वो उनके पास टीम थी दोस्तों की, वो गायें काटते थे ज़बरदस्त अपनी, तो हमने कहा कि यार आप इसे कमर्शियली भी कर लेंगे। मैं आपको इस बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, फिर आईटी में थोड़ी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें, और मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात को जो आखिरी बात है मेरे जहन में वो ये है कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर लोगों तमाम लोगों का स्किल सेट डिफरेंट है। एक शख्स है वो फिज़िकल काम करता है, उसके लिए बना है ना, आप उसको बोले नहीं तुम भी आके आईटी की कोई स्किल सीखो, नहीं, भाई नहीं, वो आईटी के लिए नहीं बना, इंटरेस्ट भी तो एक चीज़ है, उसका इंटरेस्ट है ना, आप उसको उसके इंटरेस्ट पे खेलने दें। हर किसी को आप एक ही फील्ड में लाएंगे तो फिर तो कोई काम ही नहीं होगा ना। आपको पता होगा कि कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी जो है ना वो अच्छे खासे प्रोफेशनल से कहीं ज़्यादा है, सही ना, क्योंकि उस काम की इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में हमने इन कामों की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल उठा के साइड में कर दिया है और हमारे चीज़ को डिजिटल या ग्लैमराइज चीज़ को ही सिर्फ काम समझना। मैं समझता हूँ फ्री लांसिंग या एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ आजकल एक बज़ वर्ड है, फैशन है, या मैं भी कर रहा हूँ यार, सब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल फैशन से निकलना चाहिए। ये जो मैंने आपको बिल्कुल एग्जांपल दी कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम योर कॉन्टेक्स्ट, भाई आप खाना बना के दे सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करें एंड आप पैसे बनाएं, ठीक है ना। वो चाहे आप आईटी से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे आप किसी की गायें बकरा काट रहे हैं, चाहे आप किसी को खाना बनवा के दे रहे हैं, तो ये हम इसको सिंपल करेंगे ना तो काम आसान होगा। सही। अच्छा, मैंने एक वीडियो या एक पोस्ट देखी थी कि आप तकरीबन 13 साल से जो है वो जी इस इंडस्ट्री में हैं, और इससे रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह? देखिए, हमारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, हमारे चैनल्स हैं, वहाँ पे वीडियोस भी हम मुस्तकिल अपलोड कर रहे होते हैं। हमारी कंपनी यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग है, तो हमारा मकसद ही है कि हम दुनिया भर में लोगों को हेल्प आउट करें, फैसिलिटेट करेंगे वो कैसे अपने बिजनेसेस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, या अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमारी डिफरेंट मास्टर क्लासेस होती हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल पे भी रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं या कुछ कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप उमेर भाई के चैनल पे, और इनकी कंपनी है यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के नाम से, तो उस पर भी आप चेक इन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं और फ्री में मज़े ले सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। उमेर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपको टाइम निकालने का, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।